नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो वेट स्केल है, यानी कि उसका जो मदरबोर्ड है उसके बारे में, उसकी थोड़ी सेटिंग के बारे में, उसका कैलिब्रेशन, और एक्चुअल में वो क्या अपन को प्लस पॉइंट दे सकता है। तो ईगल कंपनी का जो वेट स्केल का मदरबोर्ड है उसके अंदर अपन को यहाँ पे, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस कंपनी का है। तो यहाँ पे ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से स्टिकर लगा हुआ होगा। अगर ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो यहाँ पे आपको बॉबी नाव से भी स्टिकर दिख सकता है। अब ये साफ दिख रहा है कि इस पे बॉबी लिखा हुआ है। इस पे ज़रूर आप थोड़ा जोर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल हल्के अक्षरों में लिखा हुआ ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सेटिंग को ओपन करने के लिए MR और M+ इन स्विच के अंदर से आपको दबा के देख लेना है कि भाई किसके अंदर अपने सेटिंग ओपन हो रही है। तो हमारी सेटिंग है MR के अंदर ओपन। हम MR प्रेस करके जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी, इंटर लिखा हुआ आएगा। तो अब हम ये सेटिंग हमारे हिसाब से कर रहे हैं, लीटर के हिसाब से, कि लीटर में कितनी एक्यूरेसी रखनी है और कितना हमें जैसे कैसे इसको कैलिब्रेशन करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंटर आएगा, अब टेयर कर लेंगे, NF2 आएगा। ये लीटर के लिए, अगर आपको सिर्फ किलो में चाहिए तो यहाँ पे जीरो कर लीजिएगा। डिस्प्ले फर्स्ट है, 2321 है, यानी कि अगर ये DP के अंदर लगा हुआ किसी DPU डाटा प्रोसेसर यूनिट, जो कि अपने स्लिप निकालने के, दूध मिल्क कलेक्शन के काम में आता है, उसके अंदर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको 1 रखना पड़ेगा। और वो आप चेंज करके चेक भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 रखना है या 2 रखना है। ये ALC4 है, ये A00 है, DU00 रखना है। कैपेसिटी फर्स्ट है, इसमें हमने 0-0 रखना है क्योंकि हमें अब लीटर में सेटिंग करनी है और लीटर में ही पूरा हमें मॉड्यूल इंडिकेटर चलाना है। तो हमें कैपेसिटी 3 के अंदर इसको सेट करेंगे सीधा। DP1 फ्लक्चुएशन 0, कैपेसिटी 2 ये भी 0-0, DP2 0, फ्लक्चुएशन 0। अब ये कैपेसिटी 3 के अंदर जितने आपकी लोड सेल की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कैपेसिटी सेट कर ही लीजिए। हमने यहाँ 30,000 कर रखी है, यानी 300 kg तक ये तोल सकता है। अब DP3, ये 3 DP3 3 का मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट 3 नंबर पे आए। हमें दूध कलेक्शन के लिए हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत है तो ये यहीं पे है। अगर आपको इससे आगे ले जाना तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। फ्लक्चुएशन यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन चेंज भी कर सकते हैं, 1, 2, 5, 0 कि भाई अपने काटा किस हिसाब से चले, 1 ग्राम बताना चाहिए, 2 ग्राम में चलना चाहिए, 5 ग्राम में चलना चाहिए या 0 बताए। तो फ्लक्चुएशन हम यहाँ पे एक बार 1 ग्राम ही कर देते हैं। अब ये लीटर की सेटिंग आ गई है, लीटर की सेटिंग आ गई है तो अब लीटर के अंदर जब हम एक्यूरेसी हम देख लेते हैं कि हमने कितनी कर रखी है। तो 1030 ग्राम की हमने एक्यूरेसी कर रखी है लीटर के अंदर। L1 रखना है। अब ये वेट स्केल रिस्टार्ट हो गया है। अब अगर इस हिसाब से आपने सेटिंग कर दी फिर भी लीटर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें एक सेटिंग और होती है जिसको अपन को दूसरे स्विच को पुश करके रखना है। ये हेल्प की सेटिंग आएगी, हेल्प के पासवर्ड हैं 777777। अगर आप इसको चेंज कर लेते हो तो उसके आगे फिर डीलर के पास भी रास्ता नहीं होगा, तो कृपया करके इसे चेंज ना करें। कंपनी से अगर नया कार्ड आता है तो उसकी 777777 ही पासवर्ड रहेंगे। ये चेंज पासवर्ड अपन को नहीं करने। फ्रेम ब्लैंक ही रखनी है। स्टेप यहाँ पे स्टेप 2 अपन को करना है। अगर ये स्टेप 2 नहीं है, अलग है, तो इसको स्टेप 2 करिए, कहने का मतलब ये है। सॉरी, स्टेप 2 ये आप फ्रेम का ही है, ये स्टाइल 2, सॉरी, ये स्टाइल 2 अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको स्टाइल 2 करना पड़ेगा लीटर के लिए, अदरवाइज आप छिड़कानी ना करें। अगर आपको किलो में रखना है तो ये मैं 2 कर देता हूँ। कैपेसिटी डी, ये इसकी डेनेसिटी 77,194। ये अब हमारा काटा रिस्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके कैलिब्रेशन के बारे में जान लेते हैं। सेटिंग में आपको सारी चीज़ समझा चुका हूँ कि लीटर के अंदर बॉबी के जो ईगल कंपनी का, जो दोनों सेम एक ही कंपनी का नाम है, और इसका सेटअप ये रहता है लीटर के अंदर करने के लिए। अब इसका हम कैलिब्रेशन चेक कर लेते हैं। अब
अब वैसे तो ये कैलिब्रेशन ओके है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 9.97 आ रहा है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 9.67 आ रहा है। अब इसको हम एक बार 30 ग्राम के लिए छेड़ रहे हैं। हमें सबसे पहले एम प्लस और मोड को साथ में दबाना है, इंटर आ जाएगा। हो सकता है आपके में एम आर और मोड को दबाओ तब इंटर आए, कोई ख़ास बात नहीं है, आप दोनों को दबा के देखोगे। यानी इसको प्रेस करके रखना है, फिर इसको दबाना है, टेयर करोगे। यहाँ पे 5000 भरा हुआ है, 10 केजी का वाट है, तो यहाँ पे अपन को 1 लिखना है। अब डेसिमल पॉइंट हमारा 2 किया हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे 1000 ही लिखना है। अगर यहाँ पे है तो 10000 लिखना है, सॉरी हाँ 10000, यानी एक ये आगे आ जाएगा, 10000 हो जाएगा। ये 10 किलो हमारे एकदम ओके, और ये लीटर में 9700 एकदम ओके। इसी हिसाब से ये आपको कैलिब्रेशन भी करके देख लेना। अगर आपको ईगल कंपनी के कार्ड खरीदने तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कंपनी से डायरेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप वहाँ से भी क्वांटिटी के अंदर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेटअप में कोई समस्या आती है तो आप हमें मेल करिए। धन्यवाद।